नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडी की वीडियो। जैसे कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया है, आपको पता है कि ये समकालीन दक्षिण एशिया का चैप्टर की वीडियो है। इसमें हम बांग्लादेश की बात करेंगे कि किस तरह से जो दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश बनता जा रहा है बांग्लादेश, उसके यहाँ पर राजनीति कैसे, उसकी राजनीति की कैसे बयार भई है, कैसी हवा चली है। तो आप पाएंगे कि इस 1971 के बाद जब बांग्लादेश बनता है, उससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान होता, आपको पता है। जब बांग्लादेश बनता है तो वहाँ पे कभी कभी सेना का शासन रहा और कभी कभी लोकतांत्रिक सरकार भी आई। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, 20-25 सालों की, 30-28 लगभग 28 सालों की, तो वहाँ पर लोकतंत्र मजबूती से है, स्थापित है, लेकिन समय समय पर वहाँ पर सैनिक शासन भी आते रहे। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम जो किताब में है वो है बांग्लादेश में लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो किस तरह से बांग्लादेश में लोकतंत्र आया और बांग्लादेश कैसे बना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैंने 3 पॉइंट में लिखा है कि बांग्लादेश किस तरह से बनता है, और बाकी 3 पॉइंट में मैंने ये लिखा है कि बांग्लादेश में किस तरह से आज़ाद होने के बाद राजनीति चलती है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 1971 से पहले बांग्लादेश नाम का कोई देश था ही नहीं, पूर्व पाकिस्तान के नाम से उसे जाना जाता है, जो पाकिस्तान का हिस्सा था। होता यह है कि पूर्वी पाकिस्तान में कई लोग जो है, ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग, बहुसंख्यक लोग जो हैं वो बंगाली बोलते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते थे। हालांकि दोनों एक ही देश थे, लेकिन दूर दूर है कितना, आपको पता है कि लगभग 1200-1500 किलोमीटर का फासला है। तो जब इतनी दूरी होती है तो एक देश को इकट्ठा रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। पश्चिमी पाकिस्तान के, यानी कि जो अब का पाकिस्तान है, वहाँ के नेता जो है, दबदबा था उनका राजनीति के ऊपर, सरकार के ऊपर। तो वहाँ की नेताओं ने ये घोषणा कर दी कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में भी, जो बंगाली लोगों का इलाका है, वहाँ भी उर्दू ही बोली जाएगी। अब आप देखिए कैसा है, कैसा माहौल बन जाता है कि आपको आती नहीं है उर्दू बोलने, आपकी भाषा है बंगाली, आपसे आपकी भाषा छीन के आपको बोल दिया जाए कि उर्दू बोलिए। ये ठीक उस तरह से कि आपको इंग्लिश नहीं आती और आपको कह दिया कि आज से तुम जो है घर में बाहर कहीं भी इंग्लिश ही बोलोगे। तो भाई, आपकी जबान अगर छीन ली जाएगी, जब आप जबान ही छीन ली गई आपकी, आप बोल ही नहीं सकते, कैसे बोलेंगे आप? सारे काम जो है कोर्ट के, कचहरी के, बाकी सारे पढ़ाई लिखाई सब उर्दू में होगी, जो लोगों को आती नहीं थी। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा फूटा। तो हुआ क्या, देखिए, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होने हुआ। आज़ाद होने से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, मैंने बताया आपको। यहाँ की प्रमुख भाषा बंगाली थी, ये मैंने बताया आपको, कहाँ की, पूर्वी पाकिस्तान की, यानी कि अब का जो बांग्लादेश है वहाँ थी। परंतु पश्चिमी पाकिस्तान क्या है, जो अब का पाकिस्तान है, जो इस तरफ है, जो जो राजस्थान पंजाब के इस तरफ है, जो अब का पाकिस्तान है, उसे पश्चिमी पाकिस्तान पहले कहते थे। यहाँ की प्रमुख भाषा बंगाली थी, यानी बांग्लादेश की प्रमुख भाषा बंगाली थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान उसके ऊपर उर्दू भाषा थोपना चाहता था। लोगों ने इसका विरोध किया, साथ ही साथ शासन में अपनी प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी की मांग की और आंदोलन शुरू किया। तो लोगों ने इसका विरोध किया कि आप हमारे ऊपर उर्दू भाषा कैसे थोप सकते हैं, हमारी तो आप दबदबा भी आप ही का है सरकार के ऊपर, अब आप हमसे हमारी भाषा भी छीन लीजिए, अब आप हमारी किताबों में उर्दू लिख दीजिए जो हमें समझ नहीं आती, तो हम पढ़ेंगे कैसे, और हमेशा हम फिर पिछड़ ही रह जाएंगे, और ना तो हमारा सरकार में कोई प्रतिनिधित्व है, ना राजनीतिक सत्ता में हमारी कोई हिस्सेदारी है। तो इसको लेकर मांग शुरू हुई कि हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, और आंदोलन की शुरुआत होती है। अब ये जो पूरे आंदोलन की शुरुआत होती है, इसके जो नेता होते हैं, इसके जो हीरो होते हैं, वो होते हैं शेख मुजीबुर रहमान। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, और भारत में भी इनको शरण दी गई थी युद्ध के समय, युद्ध से पहले भी। तो इस जनसंघर्ष के जो नेता थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे। इन्होंने क्या किया, 1971 में जो अवामी, इनकी पार्टी थी अवामी लीग, 1970 में जो चुनाव हुए, जो सीटों पर चुनाव हुए, तो एक संविधान बनना था। तो संविधान सभा के लिए, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि संविधान बनना था पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान के लिए, दोनों तरह के, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए एक ही संविधान बनना था, तो उसके लिए चुनाव होते हैं उस संविधान सभा के लिए। उस संविधान सभा में के चुनाव में अवामी लीग भी जो है खड़ी होती है, जो ईस्ट पाक यानी कि पूर्वी पाक की सभी सीटों पर जीत जाती है, पूर्वी पाकिस्तान के सभी सीटों पे जीत जाती है। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बार बार मैं कह रहा हूँ, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान के सभी सीट पे जीत जाती है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिम पाकिस्तान के जो नेता हैं, इनकी जीत को मानने से इनकार कर देते हैं, और मुजीबुर रहमान को जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो बहुमत मिल जाता है इनको संविधान सभा में, यानी कि ये अपनी मर्जी का कोई भी संविधान बना सकते थे, इतनी पावर में आ गए थे, लेकिन जीतने को ही जो है इन्होंने इनकार कर दिया था, और जीतने को माना ही नहीं था पश्चिमी पाकिस्तान के लोग। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, संघर्ष पैदा हो गया, कई जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई।
तो हजारों लोग जो है वो सेना के हाथों मारे गए थे पूर्वी पाकिस्तान में। इससे और स्थिति बिगड़ जाती है और स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि पूर्वी पाकिस्तान से लोग भाग भाग के भारत के अंदर आते हैं। तो आज भी जो बांग्लादेशियों का मुद्दा है वो तभी का है कि तभी जो है कई सारे शरणार्थी युद्ध के खतरे से, युद्ध के डर से जो है भारत में आ रहे थे। अब भारत में करोड़ों की संख्या में अगर लोग आएंगे तो भारत सरकार चुप थोड़ी बैठेगी। तो इंदिरा गांधी ने भी कहा कि आप मसले का जो समस्या है उसका मसले का जो है हल निकालिए। लेकिन ये पलायन जो था भारत में, ऐसे स्थिति में लाखों लोग ईस्ट पाक से यानी कि पूर्वी पाक से भारत में पलायन करने लगे। तब भारत ने पूर्वी पाक के लोगों को की जो आज़ादी की मांग थी उसका समर्थन किया। तो भारत ने ये कहा कि हम इनकी सपोर्ट करेंगे, बंगाली लोगों का जो बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जो अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, जो अपनी भाषा को मानना चाहते हैं, हम उसका समर्थन करेंगे। समर्थन में क्या किया गया, समर्थन में सैनिक मदद दी गई और आर्थिक मदद दी गई, यानी कि हथियारों की मदद भी दी गई, सैन्य मदद भी दी गई और फाइनेंशियल एड भी दिया गया, पैसों की मदद भी दी गई। और आपको पता है फिर युद्ध हो जाता है, पाकिस्तानी आरोप लगाता है कि भारत हमें तोड़ना चाहता है, फिर दोनों में युद्ध हो जाता है। तो भारत पाक के बीच युद्ध होता है और पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर देती है क्योंकि पाकिस्तान हार जाती है और 90,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तान की सेना थी वो आत्मसमर्पण करती है और बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से बांग्लादेश बनता है, ये पूरी कहानी है। अब बांग्लादेश बनने के बाद हम बताएंगे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की कैसी हवा रही, कभी कभी उसमें सैनिक शासन भी आया। तो ये तीन पॉइंट मैंने यहाँ पे तीन चार पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला कि बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया, जब वो आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया, संविधान बहुत अच्छा बना था। उसके अंदर उसने अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश कहा, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहा, बल्कि हालांकि ज़्यादातर वहाँ मुस्लिम थे लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान की जो मुस्लिम इस्लाम के धर्म के ऊपर बना था, लेकिन जब बांग्लादेश ने अपना अलग देश बनाया और बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया तो उसमें उसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहा और समाजवादी देश बनने की घोषणा की। तो ये सब उसने अपने संविधान में ये सब चीज़ें लगाई डाली। लेकिन दूसरे पॉइंट, लेकिन हुआ क्या, 1975 यानी लगभग 4 साल बाद मुजीबुर रहमान जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने संविधान के अंदर थोड़े बदलाव कर दिए, थोड़े क्या बहुत सारे बदलाव कर दिए और एक तरह से आप यूं कहें कि संविधान पलट दिया। अब यहाँ पे संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली थी। अध्यक्षात्मक प्रणाली आपको पता होना चाहिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है सोचिए, अरे आपको पता है राष्ट्रपति जहाँ पर प्रमुख हो, जैसे कि अमेरिका, अमेरिका में राष्ट्रपति प्रमुख होता है तो उसे अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं, जहाँ एक ही इंसान के इर्द गिर्द पूरी सरकार चलती है। संसदीय प्रणाली होती है जैसे भारत में संसद है ना, कई सारे मंत्री हो, कई सारे जो है संसद होते हैं तो उनका एक जवाबदेही बनी रहती है, तो इस तरह से चुनाव होता है यहाँ। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में सिर्फ एक राष्ट्रपति का चुनाव। तो संविधान में क्या कहा, उन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लिया और जितनी भी बाकी पार्टियाँ थी बांग्लादेश में और बाकी जो पार्टियाँ थी अवामी लीग के अलावा उन सबको समाप्त कर दिया, यानी कि अपना एक एक दलीय प्रभुत्व बना लिया और एक यानी कि लोकतंत्र ही खत्म कर दिया। भाई चुनाव ही नहीं होने वाले, अब तो पार्टी ही नहीं है तो चुनाव कहाँ से होंगे। तो यानी कि जो लोकतंत्र की मांग आज़ादी में हुई थी, जो लोकतंत्र की मांग को मुजीबुर रहमान ने सपोर्ट किया था, जिसके वो नेता थे, उसी को उन्होंने पलट दिया। अब इसी के खिलाफ जो है जनता का गुस्सा भड़क जाता है, सेना का गुस्सा भड़क जाता है और 1975 में ही क्या होता है, अगस्त में मुजीबुर रहमान की सेना के हाथों हत्या हो जाती है, सेना जो है उनको मार देती है। ऐसे में सेना जो है, क्योंकि सेना ने अपने नेता को मार दिया, अपने देश के प्रधानमंत्री को मारा जो अब राष्ट्रपति बनने वाला था, उसे मार दिया। तो अब क्या हुआ, तीसरा पॉइंट, अब क्या हुआ कि सेना ने जो है राजनीति पे कब्जा कर लिया। तो नए शासक कौन बने, जियाउर रहमान। मुजीबुर रहमान के बाद कौन बने, जियाउर रहमान। जियाउल हक अलग है, वो पाकिस्तान के थे, ये जियाउर रहमान है, ये बांग्लादेश के। तो ये सेना के थे नए शासक, जो नए सैनिक शासक थे वो जियाउर रहमान थे, ये सेना से थे और ये 1979 के चुनाव में अपने आप को इन्होंने जिता भी दिया था, यानी कि 1975 में अपने आप को बिठाया, राष्ट्रपति बनाया, 1979 में नाम मात्र का चुनाव करा दिया, लेकिन कोई पार्टी तो थी नहीं तो चुनाव में जीत जाते हैं और उनकी भी हत्या कर दी गई थी। 1979 में जियाउर रहमान जीते थे लेकिन बाद में उनकी भी जो है फिर हत्या कर दी गई, उनके ही बंगले के बाहर जो है, उनके बंगले के बाहर जो है उनका जो अपना निवास था सरकारी निवास, उसके बाहर जो है उनके कमांडो ने उन्हें घेर लिया और उन्हें निकलने के लिए बाहर कहा जाता है, जब वो बाहर नहीं निकलते तो बंगले के अंदर जाके सेना जो है उनको मार देती है। 79 में वो जीतते हैं लेकिन बाद में फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद फिर से क्योंकि इस बार फिर से सैनिक सेना ने ही मारा था अपने यहाँ के नेता को, तो फिर से सेना ही बनती है, सेना कहीं कोई आदमी बनता है। अब जो नए सैनिक शासक थे वो थे H.M. इरशाद। अब देखिए लगातार तीन बार मुजीबुर रहमान लोकतंत्र के द्वारा चुने गए थे, उन्होंने बस अध्यक्षात्मक प्रणाली बदली,
संविधान बदलने की कोशिश की, उनकी हत्या की, किसके द्वारा, सेना के द्वारा, तो सेना बन गई शासक। फिर सेना के जो जियर रुहमान जयरहमान उनकी भी हत्या कर दी गई, फिर सैनिक शासन, तो 3 बार लगातार सैनिक शासन आया। एच एम इरशाद ये भी सैनिक शासक थे। ये बांग्लादेश के लोगों को एक चीज़ अच्छी करके दे दे जाते हैं कि बाद में जो है इनके इनके राज्य में भी जो लोकतंत्र की मांग थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और बाद में जो है इरशाद जो है 1990s में, 1990 में पद अपना छोड़ देते हैं, यानी कि सैनिक शासन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 1991 में बांग्लादेश के अंदर चुनाव होते हैं, और 1991 वो जो फिर जो शेख हसीना वगैरह जो है वहाँ पर चुनाव लड़ती हैं, और आपको पता है कि शेख बहुत दिनों से वो जो महिला हैं शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है। तो 1991 में चुनाव होते हैं, और अब यहाँ पर जो है संसदीय व्यवस्था, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री जहाँ पे मुख्य हो, जैसे कि भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था इस प्रकार के चुनाव होते हैं, वहाँ एमपी का चुनाव होता है, एमपी जो है प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो अध्यक्षात्मक प्रणाली बदल के अब फिर से संसदीय प्रणाली हो चुकी है। 1991 के बाद से चुनाव यहाँ पर होते रहे हैं, लगातार चुनाव होते हैं, और लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। तो पिछले 28 सालों में, पिछले 30 सालों में लगभग जो है वहाँ पे लोकतंत्र पूरी तरह से काबिज है। तो ये पूरी कुछ कहानी है बांग्लादेश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये बांग्लादेश के बनने की कहानी, और बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ की राजनीति कि किस तरह से 3 बार सैनिक शासन आया, उसके बाद लगातार 4 बार लोकतंत्र भी रहा। तो मिला जुला ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक अनुभव है बांग्लादेश का भी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, 12वीं क्लास के अंदर छात्रों तक शेयर करें, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और यदि आपको हमारी हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके काबिल है, लायक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।